इन्हें 20वीं सदी का सबसे अकलमंद इंसान माना जाता है। उनके ब्रेन की बनावट, वायरिंग आम इंसान के ब्रेन से काफी अलग थी। उनकी खोजों ने ब्रह्मांड के बारे में इंसान की सोच को बदल के रख दी। हमें लगा था हम जानते हैं यूनिवर्स में क्या होता है। आइंस्टाइन ने साबित कर दिया कि हम गलत थे। लेकिन क्या अल्बर्ट आइंस्टाइन के जीनियस होने का दूसरी दुनिया से कोई कनेक्शन था? हो सकता है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट वाले इंसानों के पास खास एलियन जीन्स हों और इसीलिए वो आम इंसानों से बढ़कर हैं। और क्या उनका ब्रेन ब्रह्मांड के ज्ञान को समझने में सक्षम था? आइंस्टाइन की थ्योरी के मुताबिक टाइम ट्रेवल करके पास्ट या फ्यूचर में जा सकते हैं। भारत में और कई दूसरे देशों में लोग मानते हैं कि अतीत में दूसरे ग्रहों के लोग धरती पर आते थे। क्या ये वाकई सच है? क्या एंशिएंट एलियन की वजह से ही हमारा इतिहास इतना रहस्यमयी है? और क्या अल्बर्ट आइंस्टाइन के जीनियस होने और अपनी सोच के जरिए दूसरी दुनिया में जाने के पीछे एलियंस का हाथ था? वो कौन थे? वो क्यों आए थे? वो क्या पीछे छोड़ गए? वो कहां चले गए? क्या वो वापस लौटेंगे? अफ्रीका के पश्चिमी समुद्र तट से 225 किलोमीटर दूर है प्रिंसिपी आइलैंड। 29 मई 1919 एक पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान एस्ट्रोफिजिसिस्ट ऑर्थर एडिंगटन ने ऐसी तस्वीरें खींची जिनमें साफ दिखाई दे रहा था कि काले सूर्य के आसपास मौजूद स्टार लाइट डिफ्लेक्ट होती है। उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि अल्बर्ट आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी थ्योरी बिल्कुल सही है। थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी कहती है कि लाइट ग्रेविटेशनल फील्ड में बेंड होती है, इसलिए जब ग्रहण सूर्य को ढक देता है तब सूर्य के आसपास के तारे दिखाई देते हैं, और चूंकि लाइट बेंड होती है तो इसलिए उनकी पोजीशन एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा अलग होती है। आइंस्टाइन बिल्कुल सही थे, उन्होंने जितना प्रेडिक्ट किया था लाइट उतनी ही बेंड होती है। दुनिया भर के न्यूज़पेपर्स में यह हेडलाइन छपी थी कि आइंस्टाइन की थ्योरी 100% सही है। हम जितना समझते थे स्पेस उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। अल्बर्ट आइंस्टाइन एक ऐसे शख्स थे जो दुनिया भर में मशहूर थे और जिन्हें जीनियस के नाम से जाना जाता था। उन्होंने कई चौंका देने वाली खोज की और आइजैक न्यूटन के लॉ ऑफ फिजिक्स की परिभाषा ही बदल दी। उन्होंने एक ऐसा विज्ञान बनाया था जो ब्रह्मांड को और बेहतर तरीके से समझ सके। आइंस्टाइन से पहले जो फिजिसिस्ट थे उनके मुताबिक स्पेस बिल्कुल एक सिंपल सी जगह थी जो कभी ना बदलती थी ना हिलती थी। उसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट करते थे और कुछ इवेंट्स घटते थे, पर आइंस्टाइन का ये कहना था कि स्पेस में जो मैटर और एनर्जी मौजूद है वो स्पेस का शेप बदल सकते हैं, टाइम को मोड़ सकते हैं और स्पेस को बर्बाद या बिगाड़ भी सकते हैं। उनकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने स्पेस, टाइम और लाइट के बारे में हमारी सोच ही बदल दी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के पहले हमारी स्पेस को लेके जो सोच थी वो इतनी ही गलत थी जितना ये सोचना कि अर्थ राउंड नहीं फ्लैट होती है। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने हमें यूनिवर्स जैसे कॉम्प्लिकेटेड चीज को अच्छी तरह से समझाया और हमें सही दिशा दी। अल्बर्ट आइंस्टाइन एक जीनियस थे और वो जीनियस इसलिए थे क्योंकि उनकी सोच अलग थी। वो चीजों को अलग नजरिए से देखते थे और इसलिए वो उन एरियाज में प्रोग्रेस कर पाए जिनमें बाकी फंस गए थे और आगे के बारे में सोच नहीं पा रहे थे। आइंस्टाइन विज्ञान के क्षेत्र में एक के बाद एक इतनी महत्वपूर्ण खोज कैसे कर पाते थे? क्या वो बचपन से ही जीनियस थे या उन्हें दूसरी दुनिया वालों ने इन खोजों के लिए चुना था? अल्बर्ट आइंस्टाइन 14 मार्च 1879 में जर्मनी के ऊम शहर में पैदा हुए थे। बचपन से ही उन्हें फिजिक्स से संबंधित चीजों को लेकर बहुत जिज्ञासा रहती थी। जब वो छोटे थे तो उनके डैड ने उन्हें खास कंपास दिखाया था। उस कंपास को देखकर आइंस्टाइन बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गए थे क्योंकि उसमें इनविजिबल फोर्स था जो कंपास के सुई को हिला रही थी, और उन्हें जानना था कि वो फोर्स क्या है, कंपास क्या होता है, वो कैसे चलता है। छोटी सी उम्र में ही उनके ब्रेन में हजारों सवाल उमड़ते थे। उन्हें लगता था कि दुनिया रहस्यों से भरी है और उन्हें उन रहस्यों को सुलझाना है।
चीजों को लेकर अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए उन्होंने फिजिक्स पढ़ा और ज्यूरिख के स्विस नेशनल पॉलिटेक्निक कॉलेज में फिजिक्स की डिग्री हासिल की, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद भी उन्हें कोई ढंग की नौकरी नहीं मिल रही थी। वो जो नौकरी करना चाहते थे उन्हें नहीं मिल रही थी, वो फिजिक्स पढ़ाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने एक दोस्त के कहने पर कुछ समय के लिए पेटेंट ऑफिस में नौकरी कर ली। वहाँ स्टडी करने के वक्त उनका ब्रेन और शार्प हो गया और उन्हें उस जॉब में उन चीज़ों के बारे में सोचने का वक्त मिला जिनके बारे में दिमाग बहुत सोचता था। इसी नौकरी के दौरान अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ कुछ बहुत अनोखा हुआ। उन्हें कोई ऐसा तार मिला जिससे वो अपने ख्यालों के जरिए ज्ञान से भरी दुनिया से संपर्क करने लगे। प्राचीन एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट का ये मानना है कि वो ज्ञान की दुनिया एलियंस ने बनाई थी। अल्बर्ट आइंस्टाइन आसानी से अपने दिमाग को एक अलग दुनिया में ले जाते थे और वो पूरी तरह से उसमें खो जाते थे। वो उन्हें थॉट एक्सपेरिमेंट कहते थे। उनका कहना था कि वो अपने ख्यालों में चीजों को एक्चुअली एक्सपीरियंस करते थे। वो थ्री डायमेंशनल ख्यालों में खो जाते थे, मानो वो जो सपना देखना चाहते हों। आंखें बंद करते थे और उसे देखने लगते थे जैसे कुछ देर के लिए वो अलग दुनिया में जी रहे हों। वो स्पेस में पहुंच जाते थे और वहां से ख्यालों के जरिए नए आइडियाज ले आते थे। थॉट एक्सपेरिमेंट्स के जरिए वो विजुअली या ज्योमेट्रिकली उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते जो मैथमेटिकली सॉल्व नहीं हो रहा था। फॉर एग्जाम्पल, आइंस्टाइन ने थॉट एक्सपेरिमेंट से यह जानने की कोशिश की कि एक आदमी लाइट की बीम पर सवार होकर स्पेस में जा रहा है तो वो कैसा महसूस करेगा। तो वो उसके नजरिए से टाइम और स्पेस को देखते थे। वो अलग अलग विजुअल तरीके से फिजिक्स के बारे में सोचते थे। 1905 में खुद को इस तरह के थॉट एक्सपेरिमेंट में डुबोए रखने के बाद आइंस्टाइन ने 4 ऐसे साइंटिफिक पेपर्स लिखे जिन्होंने आगे जाकर इंसान की ब्रह्मांड के बारे में सोच को पूरी तरह से बदल दिया। उसी साल उन्होंने एक पेपर लिखा था जिसमें उन्होंने प्रूव किया कि एटम्स काल्पनिक नहीं है, वो सचमुच एग्जिस्ट करते हैं। उनके इस डिस्कवरी पर काफी सवाल उठे थे। आइंस्टाइन के एक पेपर में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में लिखा था। उस समय सब ये मानते थे कि लाइट एक वेव है। आइंस्टाइन ने कहा, नहीं, लाइट छोटे छोटे एनर्जी पार्टिकल फोटोन से बनी है जो ट्रेवल करते हैं। ये डिस्कवर करने के बाद कि लाइट फोटोन से बनती है, आइंस्टाइन ने उसी लॉजिक को यूज करके एक ऐसी थ्योरी क्रिएट की जिससे आगे चलकर लेजर बने। आज हम हर काम के लिए लेजर का यूज करते हैं, आई सर्जरी से लेकर मेंटल काटने तक। उनके एक पेपर में ये इक्वेशन लिखा था, E=mc². उनका कहना था कि हम मास को क्रिएट कर सकते हैं और उसे डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। हम इस इक्वेशन की वजह से मास को और उसके यूज को समझ पाए। आइंस्टाइन ने दिखाया कि हम मास को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करके यूज कर सकते हैं। इसी लॉजिक को अप्लाई करके न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फ्यूजन में बहुत सारी एनर्जी को क्रिएट किया जाता है। उसी साल पब्लिश हुए उनके एक पेपर से उनकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की शुरुआत हुई थी। बड़े बड़े साइंटिस्ट शायद पूरे करियर में 4-5 चीजें डिस्कवर करते हैं, पर आइंस्टाइन ने एक साल में करके दिखाई। ये एक किसी चमत्कार से कम नहीं था। जब उन्होंने पेपर्स पब्लिश किए थे तो साइंस की दुनिया में जैसे तहलका मच गया। इमेजिन करिए कोई आपसे आके कहे कि आप अब तक जो भी जानते और समझते हैं स्पेस टाइम और मैटर एनर्जी के बारे में वो सब गलत है। उन्होंने मैथमेटिक्स की इक्वेशन के जरिए यह साबित करके दिखाया कि हमारी सोच बिल्कुल गलत थी। उन पेपर्स को एनएस मिराबिलिस पेपर्स कहा जाता है क्योंकि वो एक मेडिकल ईयर था जिसमें इतनी सारी डिस्कवरीज हुई थी। आइंस्टाइन अपने थॉट एक्सपेरिमेंट के जरिए फिजिक्स के बारे में इतना कुछ कैसे जान और समझ लेते थे? क्या प्राचीन एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट का ये मानना सही है कि वो अपनी सोच की दुनिया के माध्यम से एलियंस की दुनिया में पहुंच जाते थे और एलियंस उन्हें ये सारी जानकारी देते थे? क्या वो उन्हें ब्रह्मांड के सारे रहस्यों के बारे में बताया करते थे? आइंस्टाइन ने कहा था कि जब उन्होंने पहली बार रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट डेवलप किया था तो उनके दिमाग में जैसे तूफान चल रहा था। इससे यह जाहिर होता है कि उनका दिमाग दूसरे तरीके का था और उनके ब्रेन की वायरिंग यानी कनेक्शंस नॉर्मल ब्रेन से अलग थे। कहा जाता है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन घंटों तक लगातार चेयर पर बैठे रहते थे और नए आइडियाज की खोज में डूबे रहते थे।
क्या वो ज्ञान की किसी एडवांस फील्ड से आइडिया को बाहर निकालने की कोशिश करते हो? ऐसा हो सकता है कि आइंस्टाइन अपनी सोच के जरिए उस फील्ड तक पहुंच सकते थे। अगर हम अपने इतिहास में झांके तो हम पाएंगे कि जो बड़े बड़े दिग्गज हैं, जिनके कंधे पर हम खड़े हैं, उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने जो किया वो खुद नहीं किया है, कोई पावर है जो उनसे बहुत बड़ी है, उन्होंने उनसे ये करवाया है। सोच में आकर, सपने में आकर उन्होंने उन्हें रास्ता दिखाया है। यूनिवर्स से रिलेटेड जितने भी सवाल हैं उनके जवाब यूनिवर्स में ही मौजूद हैं, और हो सकता है कि आइंस्टाइन को स्पेस में जाकर सवालों के जवाब ढूंढने का तरीका मालूम था। वो अपनी सोच के जरिए यूनिवर्स में मौजूद नॉलेज तक पहुंच सकते हो, और क्या पता उन्हें जाने की इजाजत हो। उन्हें नहीं पता था कि उन्हें नॉलेज कैसे मिलती थी, लेकिन हो सकता है कि उनके सबकॉन्शियस माइंड को पता था। शायद उनकी अंतरात्मा वहां यूनिवर्स में जाती थी और यूनिवर्स से नॉलेज को लेकर उनके ब्रेन तक पहुंचाया करती थी। क्या प्राचीन एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट का यह मानना सही है कि थॉट एक्सपेरिमेंट के जरिए अल्बर्ट आइंस्टाइन की अंतरात्मा दूसरी दुनिया में जाती थी? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें दूसरी दुनिया में जाने की जरूरत नहीं है। इसका जवाब अल्बर्ट आइंस्टाइन के ब्रेन के टुकड़ों में मिल सकता है। प्रिस्टन, न्यू जर्सी, 18 अप्रैल 1955। मशहूर जीनियस कहे जाने वाले साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन की दिल की बीमारी की वजह से मौत हो गई। कई घंटों के बाद प्रिंसटन हॉस्पिटल के पैथोलॉजिस्ट थॉमस हॉर्वी ने उनका ब्रेन उनके शरीर से निकाल लिया। जब 1955 में अल्बर्ट आइंस्टाइन की मौत हुई थी तो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में उनकी बॉडी का पोस्टमार्टम किया गया था। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने उनका ब्रेन उनके सिर से निकाल लिया था। उन्होंने ब्रेन को निकालकर एक कुकी जार में रख दिया और उस जार को फॉर्मेल्डिहाइड केमिकल से भर दिया। उन्होंने उसे कई साल तक छुपाकर अपने पास रखा। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन की मौत के बाद जो अफवाह उड़ी थी कि आइंस्टाइन का ब्रेन निकाल लिया है, वो अफवाह नहीं, सच था। पूरी दुनिया इस बात से अनजान थी कि आइंस्टाइन की जीनियस होने की वजह यानी उनका ब्रेन किसी के घर में कुकी के जार में रखा हुआ था। जब ये बात सामने आई तो पहले किसी को यकीन नहीं हुआ। उनका ब्रेन निकालने का मकसद सिर्फ उसे ट्रॉफी की तरह सजाकर रखना नहीं था, वो उसे समझना चाहते थे। इसलिए वो उनके ब्रेन के छोटे छोटे स्लाइसेस न्यूरोबायोलॉजिस्ट और न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट को देने लगे, ताकि वो स्टडी करके बता सके कि उनके ब्रेन में क्या खास है। फिलाडेल्फिया, पेंसिल्वेनिया, सन 2013। पोस्टमार्टम वाले हॉस्पिटल से 21 किलोमीटर दूर इस म्यूजियम की दीवार के पीछे जीनियस माने जाने वाले आइंस्टाइन के ब्रेन के कुछ हिस्सों को संभाल कर छुपा कर रखा गया है। यहाँ मर्डर म्यूजियम में हमारे पास ममीफाइड ह्यूमन अवशेष हैं, अजीब तरीकों से मारे गए लोगों के स्केलेटन्स हैं, लेकिन हमारा सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिफैक्ट है ये आइंस्टाइन का ब्रेन। हमारे पास कई तरह के आर्टिफैक्ट्स हैं, लेकिन वो सब मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है। आइंस्टाइन का ब्रेन सिर्फ एक मेडिकल स्पेसिमेन नहीं है, क्योंकि वो एक आम ब्रेन नहीं है, वो दुनिया की सबसे इंटेलिजेंट इंसान का ब्रेन है। 2011 में मटर म्यूजियम को आइंस्टाइन के ब्रेन के 46 स्लाइड्स मिले थे। उन्हें ये स्लाइड डॉक्टर लूजी रॉकर एडम्स ने दिए थे, जिन्हें ये स्लाइड्स थॉमस हार्वी के एक कर्मचारी से मिले थे। मैं खुद को बहुत लकी मानती हूँ कि मुझे 40 सालों तक इन स्लाइड्स को ध्यान रखने का मौका मिला। मेरे हिसाब से ये एक साइंटिफिक खजाना है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आइंस्टाइन का ब्रेन बिल्कुल जवान इंसान के ब्रेन जैसा था। 76 वर्ष की उम्र में भी उनके ब्रेन के न्यूरॉन्स की कंडीशन बहुत अच्छी थी और ब्रेन में कोई कमजोरी या डिफेक्ट नहीं आया था। 76 साल की उम्र में भी अल्बर्ट आइंस्टाइन के दिमाग के न्यूरॉन्स एक जवान इंसान के ब्रेन जैसे स्वस्थ कैसे हो सकते हैं? उनका ब्रेन दूसरे इंसानों के ब्रेन से अलग क्यों है?
आइंस्टाइन का पैराइटल लोब यानी ब्रेन का वो हिस्सा जो नंबर्स को समझता है और हैंडल करता है और सोचने की क्रिया में सबसे सक्रिय है, बाकी इंसानों के ब्रेन के मुकाबले 15% ज्यादा चौड़ा है। ये 1955 में ली गई अल्बर्ट आइंस्टाइन के ब्रेन की तस्वीरें हैं। ये ब्रेन आम ब्रेन से अलग है। इसमें जो रेड लाइंस दिख रही हैं वो पैराइटल लोब के एरियाज हैं जो नॉर्मल ब्रेन्स के मुकाबले ज्यादा फैले हुए हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन का जो पैराइटल लोब है वो आम ब्रेन से बिल्कुल अलग है, वो यूनिक है। हो सकता है कि उनके यूनिक ब्रेन की वजह से उनमें खास एबिलिटी थी जिससे वो थॉट एक्सपेरिमेंट के जरिए खुद को अजीब अजीब सिचुएशंस में इमेजिन कर पाते थे। वो खुद को लाइट की स्पीड से ट्रेवल करता हुआ इमेजिन करते थे और उनका कहना था कि उनका इमेजिनेशन बिल्कुल रियल लाइफ जैसा ही होता था। पैराइटल लोब विजुअलाइजेशन जैसी एक्टिविटीज में यूज होता है, इसलिए हो सकता है कि उनमें विजुअलाइज करने के खास एबिलिटीज बड़े पैराइटल लोब की वजह से ही आई हो। 1980 के दशक में यूसी बर्कली में डॉक्टर मेरियन डायमंड को आइंस्टाइन के ब्रेन की एक और खास खूबी के बारे में पता चला। डॉक्टर डायमंड ने यह जाना कि उनके ब्रेन में आम ह्यूमन के ब्रेन के मुकाबले 70% ज्यादा गेल सेल हैं। ब्रेन में सिर्फ न्यूरॉन्स के बीच ही कम्युनिकेशन नहीं होता बल्कि न्यूरॉन्स और ग्लियल के बीच भी कम्युनिकेशन होता है। ग्लियल का मेन फंक्शन है इंफॉर्मेशन को कैरी करना। तो अगर एक ब्रेन में जिसमें हर न्यूरॉन्स में ज्यादा ग्लियल हैं, तो उस ब्रेन में इंफॉर्मेशन जल्दी ट्रेवल करती है और प्रोसेस होती है जिससे ब्रेन ज्यादा अच्छी तरह से परफॉर्म कर पाता है। पूरी दुनिया में लगभग 99.9% इंसानों के ब्रेन्स बिल्कुल एक जैसे होते हैं, लेकिन कुछ ब्रेन्स खास होते हैं, जैसे कि आइंस्टाइन का ब्रेन आम ब्रेन से अलग है। उसमें ज्यादा ग्लियल्स हैं और पैराइटल लोब भी बड़ा है। हो सकता है कि उनके जीनियस होने का यही कारण हो। अल्बर्ट आइंस्टाइन का ब्रेन आम इंसानों के ब्रेन के मुकाबले इतना अलग क्यों है? क्या प्राचीन एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट का यह मानना सही है कि उनके ब्रेन की बनावट इसलिए अलग थी ताकि अपनी थॉट एक्सपेरिमेंट्स के जरिए ब्रह्मांड के ज्ञान की दुनिया में पहुंचने के बाद वो ज्ञान को हासिल कर सके? क्या ब्रह्मांड से मिले ज्ञान के कारण ही आइंस्टाइन एक साल के अंदर 4 ऐसी बड़ी बड़ी खोज कर पाए जिन्होंने इंसान की ब्रह्मांड को लेकर सोच को ही बदल दी? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि एक इंसान एक साल के अंदर इतनी महत्वपूर्ण खोजें करके उन्हें मैथमेटिकल फॉर्मूलाज के जरिए साबित भी करके दिखाए और उनके खुद के कलीग्स को उनकी बातें समझ में नहीं आती थी? आइंस्टाइन की सोच अपने समय के लोगों से बिल्कुल अलग थी। आइंस्टाइन के ब्रेन का आम ब्रेन से बेहतर होने का कारण क्या था? क्या उनका ब्रेन आम लोगों के मुकाबले ज्यादा तेजी से इवॉल्व हुआ था, या फिर एलियंस द्वारा जेनेटिकली उनके ब्रेन को इस तरह से बनाया गया था? क्या एलियंस ने उनके अंदर ऐसे जीन्स डाले थे जिससे उनका ब्रेन आम इंसानों से ज्यादा एडवांस्ड हो सके? क्या दुनिया में ऐसे और भी इंसान हैं जिनमें ऐसे जीन्स हैं जो हमसे अलग है, जो इस दुनिया के नहीं हैं, बल्कि शायद एलियंस ने उनमें डाले हैं और हम अभी तक इस बात से बिल्कुल अनजान हैं? हो सकता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट वाले इंसानों के पास खास एलियन जीन्स हो और इसीलिए वो आम इंसानों से बढ़कर है। क्या आइंस्टाइन के ब्रेन की अलग बनावट की वजह से ही आइंस्टाइन जीनियस थे? क्या उनके ब्रेन को खास तौर पर ऐसा बनवाया गया था जिससे वो अपनी सोच के जरिए दूसरी दुनिया में जाकर वहां के ज्ञान को हासिल कर सके और हमारी दुनिया को समझा सके? शायद इन सवालों के जवाब हमें हमारे इतिहास के दूसरे जीनियस माने जाने वाले लोगों के ब्रेन को स्टडी करके मिल सके। स्टॉकहोम स्वीडन 1921। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस ने अल्बर्ट आइंस्टाइन को फिजिक्स की थ्योरी से विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए नोबेल प्राइज से नवाजा था। लेकिन आइंस्टाइन अपने समय के साइंटिस्ट से इतना आगे कैसे थे? 42 साल की उम्र में उन्हें ब्रह्मांड के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता चला? हम अगर अपने इतिहास पर गौर करें तो समय समय पर कुछ खास लोगों की ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती रही है जिसे मानव सभ्यता को फायदा हुआ है और हमने तरक्की की है। अब सवाल ये उठता है कि उन खास लोगों का ब्रेन वाकई काफी स्पेशल है या उनकी कंसंट्रेशन पावर और चीजों को समझने की क्षमता अच्छी है?
क्या प्राचीन एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट का ये मानना सही है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन अपने जेनेटिकली एडवांस ब्रेन की मदद से थॉट एक्सपेरिमेंट करके किसी दूसरी दुनिया से जानकारी हासिल करते थे? अगर हाँ, तो क्या हमारे इतिहास में कुछ ऐसे जीनियस भी हैं जो अपनी सोच या सपनों के जरिए दूसरी दुनिया से जानकारी हासिल करते थे? एथेंस, ग्रीस, हेलेनिक मिलिट्री के एकेडमी के बाहर जंग में लड़ने वाले एक बहादुर हीरो और वेस्टर्न फिलॉसफी के निर्माता सोक्रेटिस, जिन्हें हम सुकरात के नाम से जानते हैं, उनकी मूर्ति है। सोक्रेटिस को जाति तौर पर जानने वाले लोगों का कहना है कि वो थोड़े अजीब थे। वो कई घंटों तक एक जगह बैठकर अपनी सोच में डूबे रहते थे। सोक्रेट्स का एक बहुत ही चौंका देने वाला डे ड्रीमिंग का एग्जाम्पल बताती हूँ। बात तब की है जब वो सिपाही और उनका दल पुटीडिया पर कब्जा करने की लड़ाई में लगा हुआ था। तब सोक्रेट्स अचानक जंग की मैदान में अपने सोच में डूब गए और वो एक ही जगह पर खड़े होकर बिना हिले अपनी दुनिया में खो गए थे। एक घंटा बीत गया, दो घंटे बीत गए, तीन घंटे बीत गए। उनमें गजब का पेशेंस था जो उनके दोस्तों को थोड़ा अजीब लगता था। उन्हें उनकी दिमागी हालत पर कभी कभी शक भी होता था। हमें हमेशा लगता है कि जीनियस थोड़ा पागल होता है, लेकिन उनका बर्ताव शायद इसलिए अलग होता है कि वो दूसरी दुनिया के संपर्क में होते हैं। और सोक्रेटिस का ये खुद कहना था कि वो एक राक्षस के संपर्क में थे। अब सोक्रेटिस जिसे राक्षस कह रहे थे, वो उनके लिए कोई बुरा जीव नहीं था, बल्कि एंशिएंट ग्रीक्स के मुताबिक वो उस भगवान के कैटेगरी का हिस्सा था जो इंसानों से बात करते थे और उन्हें जीवन के रहस्यों के बारे में बताने और उनके मकसद के बारे में समझाते थे। क्या सोक्रेटिस का ये कहना कि वो किसी राक्षस के संपर्क में थे, ये साबित करता है कि उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी, या फिर ये साबित करता है कि वो किसी एलियन के संपर्क में थे जो उन्हें ब्रह्मांड से जोड़े रखता था और लगातार जानकारी देता रहता था? हमारे लिए ये कहना बहुत आसान है कि अरे सोक्रेटिस पागल थे, उनका दिमाग खराब था, वो कल्पना की दुनिया में जीते थे। वो जिस राक्षस की बात कर रहे थे वो एक तरह का मैसेंजर था या ब्रिज था उनके और उस दुनिया के बीच में जहां वो पहुंचना चाहते थे। क्या सोक्रेटिस अपने ख्यालों में खोकर किसी दूसरी दुनिया के जीव यानी एलियंस से संपर्क करते थे? प्राचीन एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट का तो यही मानना है। अगर ये सच है तो क्या हमारे इतिहास के दूसरे जीनियस माने जाने वाले लोग भी अपनी सोच में गुम होकर किसी दूसरी दुनिया में पहुंच जाते थे और वहां से ज्ञान लेकर आते थे? मशहूर पेंटर लियोनार्डो दा विंची ने ये खुद कहा था कि वो अपने कमरे में बेड पर लेट जाते थे और लेटने से पहले बेड के निचले सिरे के पास एक जलता हुआ कैंडल रखते थे, फिर बेड पर लेटकर छत पर पड़ रही उसकी टिमटिमाती फ्लेम की परछाई को एकटक देखते रहते थे। ऐसा करने से उनका माइंड एक ऐसे स्टेट में जाता था जहां उन्हें नए आइडियाज मिलते थे। पुचिनी ने कहा था कि उनका सबसे फेमस ओपेरा मडामे बटरफ्लाई गॉड ने क्रिएट किया था। लिख वो रहे थे पर सोर्स भगवान थे। विलियम ब्लैक हमेशा अपने पोएम्स, गानों और पेंटिंग्स में ये बताने की कोशिश करते थे कि एंजल्स होते हैं और पृथ्वी पर आते हैं। ब्रह्म्स का कहना था कि म्यूजिक वो नहीं क्रिएट करते, उनसे कोई करवाता है। अब हमें ये नहीं पता कि ये सब लोग वाकई किसी पावरफुल सोर्स जिसे लोग भगवान मानते थे उनके संपर्क में थे, या फिर वो अपने ही अंतरात्मा अपने अंदर के मौजूद शक्ति के संपर्क में थे और वो खुद इस बात से अनजान थे। 20वीं सदी की शुरुआत में सर्बिया में जन्मे इन्वेंटर निकोला टेस्ला ने मॉडर्न इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की शुरुआत की और आज की वायरलेस टेक्नोलॉजी का आधार उन्हीं की सोच और उनकी खोज ही थी। उन्होंने ये लिखा था कि वो जटिल इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स को किस अनोखे तरीके से सुलझाते हैं। निकोला टेस्ला ने ये लिखा है कि वो किस तरह अपनी विजुलाइजेशन यूज करके बड़ी इंजीनियरिंग प्रॉब्लम सॉल्व करते थे। उनका कहना था कि वो मोटर को विजुलाइज कर पाते थे और फिर अपने दिमाग में मोटर को पिक्चराइज करते थे और उस पर अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते अपने दिमाग में, और ये चेक करते थे कि मोटर में कहां कहां गलती है और क्यों है, और वो ये सारी चेकिंग एक हिप्नोटाइज स्टेट ऑफ माइंड में जाकर अपने दिमाग में ही कर लेते थे।
निकोला टेस्ला को इस बात पर पूरा यकीन था कि एलियंस वाकई एग्जिस्ट करते हैं। वो ये कहते थे कि वो ऑलरेडी दूसरी गैलेक्सीज में रहने वाले एलियंस के संपर्क में थे। टेस्ला को ये पूरा यकीन था कि वो दूसरी दुनिया के जीवों के संपर्क में थे। उन्होंने ये बात दिसंबर 1900 में अमेरिकन रेड क्रॉस को चिट्ठी में भी लिखी थी। उन्होंने लिखा था कि हमें दूसरी दुनिया वालों ने एक संदेश दिया है। वो संदेश है बहुत ही रहस्यमय और शायद कोई कोड है। उनका संदेश है 1 2 3। टेस्ला एक जीनियस थे और उनके दिमाग में कुछ फितूर था। वो जो भी करते थे उसमें नंबर 3 होता था। ये बहुत ही दिलचस्प बात थी क्योंकि वो नंबर 3 एक तरह का सिंबल है। जब भी हमारे पूर्वजों ने ये कहा है कि वो किसी शक्तिशाली चीज के संपर्क में है जो उन्हें जानकारी देती है, ये बात हमेशा से देखी गई कि ये संदेश या जानकारी सिंबल्स या कोड में होती है। टेस्ला के लिए ये नंबर 3 इतना खास क्यों था? क्या प्राचीन एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट का ये मानना सही है कि ये एक क्ल्यू है कि उन्होंने वायरलेस टेक्नोलॉजी इजाद कर ली थी और उससे वो ब्रह्मांड में अपने रहने वाले सलाहकारों से सलाह लेते थे? या इनकी तरह भारत के जीनियस श्रीनिवास रामानुजन भी दूसरी दुनिया के एलियंस के संपर्क में थे? वैसे तो रामानुजन स्कूल के एक साधारण विद्यार्थी थे, लेकिन उन्हें इतिहास का सबसे महान गणितज्ञ माना जाता है। उनके लिखे जर्नल्स के मुताबिक रामानुजन ये मानते थे कि सपनों में दूसरी दुनिया से कोई आकर उनका मार्गदर्शन करता था और वो थे नामगिरी नाम के हिंदू भगवान। नामगिरी रामानुजन के कुल देवता जैसे थे और उनका परिवार जो भी करता था उनका आशीर्वाद लेकर ही करता था। उनकी की गई लगभग सारे डिस्कवरीज के पहले वो सोने जाते थे इस उम्मीद से कि उनके भगवान जिनकी वो पूजा करते थे सपने में आकर उन्हें रास्ता दिखाएंगे, और गहरी नींद में जाने के बाद वो बिल्कुल अलर्ट हो जाते थे। उन्हें सपने में ढेर सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती थी। उन्होंने अपने एक सपने का डिटेल में जिक्र भी किया था जिसमें उन्होंने एक बहुत बड़ी सी लाल दीवार देखी थी और एक हाथ आया जो दीवार पर एक के बाद एक इक्वेशन लिखता ही चला गया। उन्होंने सारे इक्वेशंस को याद कर लिया और फिर जब वो जाके तो उन्होंने उन्हें नोट करके चेक करना शुरू कर दिया। उनमें से लगभग सारे इक्वेशन नए थे, अब इम्पोर्टेंट थे और अपने वक्त से बहुत आगे और बिल्कुल सही थे। ब्रह्मांड और पृथ्वी के बीच गेट बनाने के लिए टेलीपोर्टेशन यानी पलक झपकते ही एक जगह से दूसरी जगह चीजें पहुंचाने के लिए हमें जो साइंटिफिक नॉलेज चाहिए उसका फाउंडेशन है मैथ्स। और हमारे पास अब तक सिर्फ रामानुजन के इक्वेशंस हैं जिन्हें हम अब तक थोड़ा सा ही डिकोड कर पाए हैं। ये एक फैक्ट है कि पूरी दुनिया में जो भाषा समझी जाती है वो है मैथमेटिक्स। तो अगर रामानुजन के फॉर्मूले को हम डिकोड कर सकते हैं तो पता नहीं हम टेक्नोलॉजी से क्या क्या कर सकते हैं। शायद कुछ भी करना नामुमकिन नहीं रहेगा। हम ऐसी ऐसी चीजें इन्वेंट कर सकते हैं जो हमारी पूरी लाइफ स्टाइल को ही बदल कर रख देगी। क्या हमारे इतिहास के इतने सारे जीनियसेस का ये कहना कि उन्हें दूसरी दुनिया से इंफॉर्मेशन मिलती है एक इत्तेफाक हो सकता है? या फिर सोक्रेटिस, निकोला टेस्ला, श्रीनिवास रामानुजन जैसे हमारे इतिहास के दूसरे जीनियसेस अपने सपने में और सोच के जरिए जिस दुनिया में चाहते थे वो असल में ब्रह्मांड की एक एलियन दुनिया थी? एक ऐसी दुनिया जहां प्राचीन एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट के मुताबिक पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान है। अगर ये सच है तो ये ज्ञान वाला क्षेत्र ब्रह्मांड में कहां पर है? शायद इसका जवाब हमें एशिया में मिलेगा एक प्राचीन हिंदू ग्रंथ के पन्नों में। एंकोर कॉम्पोडिया। यहाँ के उत्तर पश्चिम जंगल में मौजूद दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है एंकोर वाट। कहा जाता है कि 12वीं सदी में बने इस मंदिर का डिजाइन माउंट मेरू के डिजाइन जैसा है, जो कि पौराणिक गाथाओं के मुताबिक ब्रह्मांड का एक पहाड़ है। हिंदुओं का ये मानना था कि वो पूरे ब्रह्मांड का केंद्र है। इस मंदिर के दीवारों पर बहुत सी पत्थरों की सुंदर मूर्तियां बनाई गई हैं। सारी मूर्तियां हिंदुओं के महाग्रंथ महाभारत से संबंधित हैं।
महाभारत इस प्राचीन हिंदू देवगाथा में लिखा गया है कि ब्रह्मांड एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें ज्ञान का भंडार है, उसे आकाशिक रिकॉर्ड कहते हैं। आकाश एक संस्कृत शब्द है और आकाशिक रिकॉर्ड एक टर्म है जिसका मतलब है कि आकाश में सारी इंफॉर्मेशन का रिकॉर्ड होता है। सारी इंफॉर्मेशन पहले से ही यूनिवर्स में प्री एग्जिस्ट करती है और हम इस इंफॉर्मेशन को यूज कर सकते हैं अगर यूज करने का तरीका पता चल जाए तो। हमारे पूर्वजों को इस बात पर पूरा यकीन था कि आकाश में सारा ज्ञान मौजूद है। जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, जो भी नॉलेज चाहिए, वो पहले से ही हमारे यूनिवर्स में रेडी है, बस उस तक पहुँचना है। कुछ कल्चर्स में कहा गया है कि ये इंफॉर्मेशन गॉड का हमें दिया हुआ गिफ्ट है और हम इस इंफॉर्मेशन को सपने और दूसरे जरिए से डाउनलोड कर सकते हैं। शायद मानव इतिहास के जीनियसेस भी इस इंफॉर्मेशन को डाउनलोड करते थे और मानव सभ्यता की भलाई के लिए यूज करते थे। आकाशिक रिकॉर्ड्स को समझने के लिए हमें उसे स्टार वॉर्स की फोर्स के साथ कंपेयर कर सकते हैं। जैसे यूनिवर्स में एनर्जी का भंडार है, उसी तरह ब्रह्मांड में इंफॉर्मेशन का भी भंडार है। हमारी साइंस के लिए ये बिल्कुल नया क्षेत्र है जहाँ हम इस नॉलेज के फील्ड को समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये मुमकिन है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन की गहरी सोच में जाना, जिसे वो थॉट एक्सपेरिमेंट कहते थे, दरअसल उन्हें आकाशिक रिकॉर्ड से कनेक्ट करता था? क्या हमारे इतिहास के सारे जीनियसेस को आकाशिक रिकॉर्ड से प्रेरणा मिलती थी? अगर हाँ, तो ब्रह्मांड में ज्ञान का ऐसा क्षेत्र कैसे मौजूद हो सकता है? शायद इसका जवाब हमें अल्बर्ट आइंस्टाइन की एक थ्योरी में मिले। 1935 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक पेपर पब्लिश किया जिसमें उन्होंने क्वांटम एंटैंगलमेंट के बारे में लिखा था। उसमें लिखा था, एक पार्टिकल के दो हिस्से किए जाएं तो दोनों एक दूसरे से अलग होकर भी अलग नहीं होते, फिर चाहे वो एक दूसरे से जितने भी दूर चले जाएं। एक्सपेरिमेंट्स ने ये साबित किया है कि अगर स्पेस में एक पार्टिकल के दो हिस्से किए जाए तो फिर भी आपस में कनेक्टेड रहते हैं। अगर एक हिस्से की स्पिनिंग चेंज की जाए तो दूसरा हिस्सा अपने आप स्पिनिंग चेंज कर लेता है। हम सबको ये बात याद रखनी चाहिए कि हम सब स्टार डस्ट से बने हैं। हमारी पूरी बॉडी एक ऐसे पार्टिकल से बनी है जो हमसे और दुनिया बनने से कहीं पहले से एग्जिस्ट करते थे, और हम जिन पार्टिकल से बने हैं उस एक एक पार्टिकल में यूनिवर्स की नॉलेज छुपी है। हिप्नोटिज्म यानी सोच और सपने के जरिए दूसरी दुनिया में जाना, ऐसी कई बातें हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते और असामान्य घटना कहते हैं। और असामान्य घटना में ऐसी चीजें जैसे टेलीपैथी और रिमोट व्यूइंग भी शामिल है। रिमोट व्यूइंग एक प्रैक्टिस है जिसमें पूरी एकाग्रता से उन जगहों या चीजों को विजुअलाइज करने की कोशिश की जाती है जो बहुत दूर है। इसकी शुरुआत 1970 के दशक में यूनाइटेड स्टेट्स में हुई थी। उस प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट स्टारगेट कहा जाता था। इसमें लोगों को रिमोट व्यूइंग की ट्रेनिंग दी जाती थी। साइंस सेटिंग्स की मदद से रिमोट व्यूअर्स बिल्कुल अनजान चीजों को विजुअलाइज करते थे और फिर जहन में आई तस्वीर को कागज पर उतारते थे। अमेरिकन गवर्नमेंट ने रिमोट व्यूइंग प्रोग्राम्स को स्पॉन्सर किया था। रशियन गवर्नमेंट ने भी, कई देशों की गवर्नमेंट ने ऐसे प्रोग्राम्स को बढ़ावा दिया था। रिमोट व्यूइंग एक्सरसाइजेज इसलिए किए जाते हैं ताकि इंसान जान सके चांद पर क्या हो रहा है या फिर मार्स पर क्या हो रहा है। रिमोट व्यूइंग एक साइंटिफिक प्रोसेस है जिसके रिजल्ट्स भी मिलते हैं। US मिलिट्री रिमोट व्यूइंग प्रोग्राम एक साइंटिफिक प्रोसेस है और उसे करने के लिए कुछ नियम हैं जो फॉलो किए जाते हैं। कुछ स्पेसिफिक साइंटिफिक टेक्निक्स यूज की जाती हैं, जिसमें रिमोट व्यूअर्स जो एक अलग दुनिया में खोए हैं उनसे सवाल पूछे जाते हैं और वो उस दुनिया में सवाल का जवाब ढूंढ कर जवाब देते हैं। अगर आप फेमस जीनियसेस की बायोग्राफी पढ़ें तो आप जानेंगे कि वो सब अलग तरीके से उस अलौकिक दुनिया में जाते थे। गवर्नमेंट रिमोट व्यूइंग जैसी प्रैक्टिसेस पर लाखों डॉलर क्यों स्पेंड करेगी अगर वो उनके लिए फायदेमंद साबित नहीं होगी तो? उन्हें पता है कि अगर रिमोट व्यूइंग सक्सेसफुल हो गया तो उससे हमारे कई काम आसान हो जाएंगे। हम सभी ये जानते हैं कि हम उन्हीं पार्टिकल से बने हैं जिनसे यूनिवर्स बना है, तो हो सकता है कि कोई ऐसी एनर्जी है जो हमें यूनिवर्स से जोड़ती है और हम उससे कम्युनिकेट करके इन्फॉर्मेशन हासिल करते हैं। क्या ये मुमकिन है कि रिमोट व्यूअर्स अल्बर्ट आइंस्टाइन की ही थॉट एक्सपेरिमेंट वाली टेक्निक को इस्तेमाल करके रिमोट व्यूइंग कर रहे हैं?
क्या इसी वजह से रिमोट व्यूअर्स के ब्रेन्स उन चीजों को देख पाते हैं जो उनकी नजरों और कानों से कोसों दूर हैं? क्या आइंस्टाइन के थॉट एक्सपेरिमेंट के जरिए ब्रह्मांड में पहुंचने की तकनीक ही सोक्रेटिस, निकोला टेस्ला और उनके जैसे कई जीनियसेस के लिए प्रेरणा थी? ह्यूमन हिस्ट्री के जीनियसेस रामानुजन, टेस्ला, सोक्रेटिस, उन्होंने खुद अपनी डायरी में यह लिखा है कि वो किसी दूसरी दुनिया के जीव के साथ नियमित अंतराल में कम्युनिकेट करते रहते थे। तो क्या ये सभी लोग पागल हैं या फिर यूनिवर्स को हम जितना समझते हैं उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और हम इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं? क्या यह मुमकिन है कि हमारे इतिहास के जीनियसेस वाकई में अपनी सोच और सपनों के जरिए ब्रह्मांड के एलियंस के बनाए हुए ज्ञान के भंडार तक पहुंच सकते थे? क्या हम इस बात को मान सकते हैं कि प्राचीन हिंदू ग्रंथ महाभारत का यह कहना सही था कि आकाशिक रिकॉर्ड वाकई में है? अगर कुछ खास लोगों को ही आकाशिक रिकॉर्ड की दुनिया में जाने की पावर दी गई है तो क्या उसे बनाने वाले एलियंस का उन लोगों के दिमाग पर भी नियंत्रण है? अल्बर्ट आइंस्टाइन वाकई में जीनियस थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में 300 से भी ज्यादा साइंटिफिक पेपर लिखे हैं। उनकी थियोरीज आज भी मशहूर है और आइंस्टाइन के यूनिवर्स के बारे में हमारी सोच को बिल्कुल बदल दिया था। वो अपनी थियोरीज के जरिए एक ऐसा तोहफा देकर गए हैं जो आने वाले समय में तहलका मचा देगा, टाइम ट्रेवलिंग। आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पीड ऑफ लाइट और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी मिलकर ये कहती हैं कि टाइम ट्रैवलिंग मुमकिन है। कुछ आधुनिक वैज्ञानिकों का ये कहना है कि आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को अगर यूज किया जाए तो एक पोर्टल या वार्म होल से, जिसे आइंस्टाइन रोजन ब्रिज कहा गया है, दो पैरेलल यूनिवर्सेस के बीच ट्रेवल किया जा सकता है। उनकी थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी में उन्होंने कहा है कि स्पेस को बेंड किया जा सकता है और उसमें होल्स भी किए जा सकते हैं। आइंस्टाइन रोजन ब्रिज एक तरह का वर्म होल ही है। वर्म होल स्पेस का एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसे स्पेस के मटेरियल में होल करके बनाया गया है, क्योंकि स्पेस को स्ट्रेचेबल मटेरियल माना गया है और कोशिश करके इसे कहीं भी कनेक्ट किया जा सकता है। आइंस्टाइन रोशन ब्रिज स्पेस के दो पॉइंट्स को लेकर उन्हें कनेक्ट करता है, यानी हम एक पॉइंट के अंदर जाएंगे तो दूसरे पॉइंट से बाहर आएंगे, भले ही वो दोनों पॉइंट्स दो अलग यूनिवर्स के क्यों ना हो। वो एक टेलीपोर्ट का काम करता है, आसानी से और इमीडिएटली एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकता है। क्या आइंस्टाइन का थियोरेटिकल वॉर्म होल हमें एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में पहुंचा सकता है? अगर है तो क्या ये आगे जाकर वो रास्ता बनेगा जिसके जरिए इंसानों और एलियंस के बीच संपर्क स्थापित होगा? ये बात किसी को नहीं पता कि वर्म होल्स एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, लेकिन पृथ्वी के बहुत से इंटेलिजेंट लोगों को पूरा यकीन है कि वो एग्जिस्ट करते हैं। हमें अपने इतिहास से जितनी भी बातें पता चली है उससे बार बार यही जाहिर होता है कि यूनिवर्स में हमारे अलावा भी इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म्स हैं। हम यूनिवर्स में अकेले नहीं हैं और ये बिल्कुल मुमकिन है कि अतीत में हम में और उनमें कांटेक्ट था और शायद अब भी कांटेक्ट है और हो सकता है कि फ्यूचर में भी कांटेक्ट में रहेंगे। क्या अल्बर्ट आइंस्टाइन का इतनी थियरीज का इजाद करने का मकसद एलियन से संपर्क स्थापित करना था? क्या उनकी जिंदगी का मिशन यही था? क्या दूसरी दुनिया के लोग यानी एलियंस ने उन्हें ब्रह्मांड में जाने का रास्ता बताया था? क्या उनके थॉट एक्सपेरिमेंट्स एलियन की ही देन है? पर उन्होंने ऐसा क्यों किया? हमने देखा है कि आज तक हमने जितने भी स्पेस से रिलेटेड डिस्कवरीज की हैं वो हमारी कड़ी मेहनत या लगन का नतीजा नहीं था, बल्कि उन जीनियसेस की काबिलियत का नतीजा है जिन्हें अपनी सोच और सपने के जरिए नॉलेज की दुनिया में पहुंचना आता था। वो वहां जाकर अपने ब्रेन में सारी इंफॉर्मेशन डाउनलोड कर लेते थे। हमारे इतिहास से लेकर अब तक कुछ ऐसे लोग हैं जो इतने जीनियस हैं, ऐसा लगता है कि मानो वो फ्यूचर देख सकते हैं। उन्होंने सिर्फ फ्यूचर को बेहतर बनाने की कोशिश नहीं की है, बल्कि उनकी डिस्कवरीज से तो हमारी दुनिया में एक बहुत बड़ा लाइफ चेंजिंग बदलाव आया है। हमें ऐसा लगता है कि हमारी सभ्यता धीरे धीरे आगे बढ़ी है। इतिहास से लेकर अब तक हमने काफी तरक्की की है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है।
हमारी तरक्की जीरो होती अगर जिन्सेज ने समय समय पर ऐसी डिस्कवरी नहीं की होती जिनसे हमारी तरक्की हुई है और हम बेहतर बने हैं। क्या प्राचीन एस्ट्रोनॉट थियोरिस्ट का ये मानना सही है कि एलियंस ने कुछ लोगों को सेलेक्ट करके उनके ब्रेन को ऐसा बना दिया जिससे वो जानकारियों को डाउनलोड करके मानव सभ्यता का विकास कर सके? क्या इसलिए अल्बर्ट आइंस्टाइन का ब्रेन आम ब्रेन से इतना अलग था? क्या ये इत्तेफाक हो सकता है कि दुनिया के सबसे बड़े जीनियस के ब्रेन में आम ब्रेन के मुकाबले ज्यादा जीनियल सेल्स थे और पैराइटल लोब भी ज्यादा चौड़ा था और 76 साल की उम्र में उनका ब्रेन एक नौजवान के ब्रेन की तरह हेल्दी था? ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। अगर हम दूसरे जीनियसेस के ब्रेन को भी स्टडी कर पाते, आइजक न्यूटन, निकोला टेस्ला और आज के जमाने के स्टीवन हॉकिन, तो शायद हम यही पाते कि उनके ब्रेन्स भी नॉर्मल ह्यूमंस के ब्रेन से बहुत ज्यादा अलग हैं। हमारे डीएनए में कुछ ऐसा है जो हमें एक तरफ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बनाता है जो कि हम सब हैं, लेकिन हमारे डीएनए में कुछ ऐसा भी है जो हमें जीनियस बना सकता है। जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन एक जीनियस थे, लेकिन हम अपने आप को जीनियस कैसे बना सकते हैं? इस सवाल का जवाब हमारे पास अब तक नहीं है। क्या हमारे इतिहास के सबसे बड़े जीनियस माने जाने वाले लोग दूसरी दुनिया के लोगों के संपर्क में थे? क्या जीनियस लोग हमारे और एलियंस के बीच का लिंक है? क्या थॉट एक्सपेरिमेंट करना या रिमोट व्यूइंग करने की कोशिश करके हम अपने अंदर के जीनियस को जगा सकते हैं? अगर हाँ, तो कौन होगा हमारा अगला आइंस्टाइन? वो कहां से आएगा या आएगी और वो ब्रह्मांड के कौन से गहरे राज का पर्दाफाश करेंगे?